देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। सबसे पहले सम्मानीय बंडू काका बच्चों का मैं वेलकम करूंगा, उनका स्वागत करूंगा। वो तो कहीं राष्ट्रवादी में गए नहीं, कहीं एनसीपी में, दोनों गट में गए नहीं, सिंधे गट में गए नहीं, एमएमआई में नहीं गए, मुस्लिम लीग में नहीं गए, वो शिवसेना में रहे हैं। सिर्फ वो जानता राजा के रूप से और बारह बलूचिदार के रूप से उनका काम चल रहा था। नहीं, मैंने प्रश्न उनका नहीं पूछा। शिवसेना शांत बैठी हुई थी, अभी बंडू काका आए, क्या एक्टिविटी करेंगे? अक्टूबर में चुनाव है। देखिए, शिवसैनिक और शिवसेना आदेश पे काम चलती है। हम अभयाबा हीरे साहब पे जो कुछ कार्रवाई हुई वो जेल में गए 6-7-8 महीने से, लेकिन हम कुछ हाथ पे हाथ बंधे हुए खड़े नहीं रहे। हम कुछ ना कुछ छोटी मोटी काम यहाँ हम करते थे, चाहे फिर उसमें हमारा शिवसैनिक नोनी सप्ताह होगा, उसके बाद शिवसेना का कोई प्रोग्राम होगा, उद्धव जी ठाकरे साहब का बर्थडे होगा, संजय राउत साहब का जो जो राज्यपाल थे कोश्यारी जी, उन्होंने जो कार्रवाई की उनका भी हमने निषेध किया, ईडी ने उनपे कार्रवाई की जब भी हमने ईडी का निषेध किया। तो ये एक्टिविटीज ही है ना, शिवसेना तो काम ही कर रही है। आपके दिल से या आपके मन में छोटा और बड़ा दिखता होगा, लेकिन हमारे दिल में तो ऐसा कुछ नहीं। हम तो क्या है, जैसे घोड़े को झाप लगी रहती, उसको सिर्फ सामने का दिखता, आजू बाजू का नहीं दिखता, वैसा हम शिवसैनिक है। हमको सिर्फ शिवसेना दिखती है और उसके लिए हम जान तोड़ के काम करते हैं। अभी बंडू काका बच्चा आने से 4 चांद लग गए हमको, और साना बताना वो हमारे साथ रहने वाले हैं। इसके अलावा क्या बोलूं मैं आपको। आपने जो पूछा, शिवसेना ये आदेश पे चलने वाला पक्ष है, ठाकरे परिवार हमारे लिए सर्वस्व है, उनके आदेश के हम बने हुए हैं। और रही बात, आपको लगा आपने पूछा कि एक्टिविटी नहीं थी, खामोशी भी सबसे बड़ा हथियार है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, लोकसभा में जो रिजल्ट आए वही विधानसभा में आने वाले हैं। और रही बात टिकट की, तो काका साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि पक्ष जो भी आदेश देगा, जिसको भी उम्मीदवारी देगा, दो उम्मीदवार आज पक्ष के सामने है, एक सन्मान्य आदवाई जी आबा हीरे और एक सन्मान्य बंडू काका बच्चा। ऐसा संजय राउत साहब से उनकी चर्चा वार्तालाप हुआ है, उसके मुताबिक जो भी आदेश आएगा उसके लिए शिवसैनिक बन रहा है। और जो जिनके ख्याली पुलाव, जिनके जो भी है, जो भी पकाए, वो अभी 2 महीने में आपको सामने आएगा, समझ में आएगा। ये मालेगांव तालुका नहीं, पूरे महाराष्ट्र में इसका आगाज होने वाला है, यही मैं बताना चाहता हूँ। और टिकट की कभी भी शिवसेना में लड़ाई है नहीं और ना ही रहेगी।